अरे क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ, क्या हुआ अम्मी? अरे क्या हुआ अम्मी? सांस अयो नहीं चल रही सांस। अब्बा सांस नहीं चल रही। अरे मियां पूरों को फोन कर, मियां जल्दी फोन कर। आगे आप ही पानी लेके आओ अम्मी। हेलो पानी लेके आओ। हेलो किसका फोन आ रहा है? देखो रुको रुको फोन आ रहा है। हेलो भूपू अस्सलाम वालेकुम अम्मी। चाची को कर। हेलो चाची अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे बड़े अम्मी को कर मियां, बड़े अम्मी को कर देख मियां सांस चल रही है क्या क्या ला तू रहम करा मामा को करो मामा को। हेलो मामा अम्मी जी क्या हुआ मियां सांस चल रही है क्या हुआ देख उतरा नहीं चल रही क्या बोले अल्लाह रहम कर तू और मेरी जान बेगम अल्लाह को रहम करो अल्लाह रहम कर दिया अम्मी यहां तो अम्मी वापस आ गए अम्मी भाई इतना जल्दी नहीं जाती तेरे बाप छोड़ के उनको लिटा के जाती मैं यहां पर क्या हुआ था तुम्हारे अरे खाना वाना खाओ बोलो भाई अम्मी खालो ना धोने वाले लेके आओ खाना लेके आओ पहले खुशी से मेरी सांस अल्लाह में मतलब तकलीफ से सांस मेरी अल्लाह में आ गई थी तू क्या रे औरतों के जैसा चीखरा अरे बच्चा है जी तुम कुछ भी होगा तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं मेरा बोले तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ये देखो बेशरम देखो कैसा हंस रहा देखो बेशरम ये नहीं जी अम्मी खुशी खुशी हो रही है अम्मी अब भी हम लोगों की सांस अटक गई थी आपको देख के कितनी खुशी हो रही है हम लोगों को अब तुम्हारे होने वाले मेरी सांस रुक रही मतलब खुशी से मैं बताने से करूँ तुम वापिस आ गए तो खा लो बेगम दोनी वाले एक बार बोलो ना खा लेते बोल के हाँ खा लेती हूँ मुबारक मुबारक पहले पहले पानी क्या करूँ राम तेरा बुड्ढा खुश हुआ क्या करूँ राम तेरा बुड्ढा खुश हुआ चलो 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 फिर से मैं खाना ला चलो अब तुम भी जाओ मुंह धो ले कर ले जाओ खाना खा लेंगे चल राइट चलो ओ तुम लोग आ जाओ हम दोनों खा लेते हां कौन दोनों जी अपन दोनों ऐसा बोले जाओ चलो डिस्टर्ब कर तुम आ जाओ अच्छा क्या निवाले बनाए खिला रहे नहीं खिला रहे मैं खिलाता हूँ खाओ बच्चा देख अरे जानो मेरे को भी शर्म आ रही बुढ़े का तुम्हारे कहीं की शर्म है बच्चे देख लेंगे बोले ना जी अपन दोनों में कहीं की शर्म बच्चे देख लेते शर्म आती नूरजहां नूरजहां कहा तो भी है माँ चली गई हमारे भाई को अकेला छोड़ के कहा तो भी चली गई माँ नूरजहां तू नूरजहां इन्हें तो जिंदा बैठी है यहाँ पे मेरे को ऐसा फोन करके बोला उन्हें मर गई बोल के अच्छा घर में चाय समोसे खा ले रही थी भाई इन्हें तो जिंदा बैठी है इधर अस्सलाम वालेकुम आओ 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 अच्छा बोल ले रहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हां इतना हैबत से बुलाए मेरे को फोन आ करके आओ अच्छा घर में बैठ के मैं खा ले रही थी समोसे चाय तुम्हारे भाईजान के साथ में कैसे है भाईजान कैसे हां अच्छे है और पप्पू खैरियत सब हाँ सब खैरियत है इन्हों का इको ऐसे आधे अधूरा काम करते कि जाना था पूरे कुछ चले जाना था इतना जल्दी हमारा भाई सुकून से जीता था इतना जल्दी कहीं कुछ जब तक आप लोग आने गए अभी तक ओए किसको बोल रहे तुम हम मैं अभी जाने वाली नहीं हूँ समझे सबको भिजा के खुफल मार के जाती हूँ पप्पू बड़े है जिम्मेदारी निभा के ऐसा करने का सोच रहे शायद हाँ हाँ बड़े से पहले जाना जख्मे इतना गुस्सा हो गया मेरे को लाके छोड़ के चले गए देखे कर दी इसका भी काम घर में पूरा पूरा बर्बादी करने वाली जड़ी नुच है मैं क्या करी जी तुम्हारी दादी को भी ऐसी चीनू सता सता के खा गए मैं लल्ला नहीं बोलती थी ना अब ये सब बात ना को बोले चले जाने के बाद में उनके
सता के तो तुम ही खा गए उनको। वालेकुम सलाम। क्या है, छोटे बड़ों का अदब लिहाज है ही नहीं है? घर में आके बैठे तो चाय पानी पूछना मालूम नहीं मालूम क्या सिखाई गया माँ? यही छह तरीका। चाय बना के लेके आना बेटा। चाय? चाय नहीं लेने वाली हूँ मैं, खाना खा के जाऊंगी मैं, वो भी तुम्हारे हाथ से। वो खोपते का सालन नहीं बनाते थे तुम? हाँ, वो भी ग्राइंडर में पीसना नहीं, मसाले पूरा हाथ से कूट के पीस के बना के खिलाना मेरे को, समझे? हाँ आपा, बना लेती हूँ कोफ्तों का सालन। तुम लोगों को मालूम पूरे हैदराबाद में इनके जैसा बगारा खाना कोई नहीं बना सकता मालूम। खाली ऐसा मुंह में डाले तो खत्म। आहा क्या मजा आता मालूम। ननन और भावज मिलके, दोनों मिलके आज अपन चूल्हे में पकाएंगे, चलो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं जरा सुकून से बैठने के लिए आई बोली तो चूल्हे में घुसारी मेरे को। नको नको, मैं नहीं आती, तू जो खिलाती खिला, नहीं तो खाली चाय पिला दे मेरे को बस। है चाय बना लो बेटा। हाँ फिर आके बैठ गई तू? आई छोटे बड़ों का अदब लिहाज है ही नहीं है तुझे? चाय बना के लाओ बोले तो फिर आके बैठ गई। जाओ बेटा चाय बना के लाओ। बहुत देर हुआ आके। चाय पानी बिरयानी कुछ पूछे नहीं पूछे? कुछ नहीं, सुक्का बैठी हूँ जब से आके। अय्या, अब तक बिरयानी चाय पानी कुछ भी नहीं पूछे? अगर मैं बच्ची रहता था ना, फुप्पू के यहाँ से बगारा खाना, दाल चावल, पल्ली का सारा, डबल का मीठा सब लेके आ लेता था मैं। ये अरे फुप्पू, अपने फुप्पू मजाक नहीं है, दादा दादी के बाद आखिरी चिराग इन्हों से खानदान के। अपन ने तो खून पूछता, बोलो घर में दो दो औरतें रह के बेकार है। फुप्पू मैं क्या बोलूं तुम्हारा, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम कैसा बर्दाश्त करेगी क्या? एक मिनट समझ में नहीं आ रहा बेटा, जा तुम पका के आ जाओ, उठो उठो। बच्ची रहता तो बोला मैं, जाओ। अरे बच्ची रहता तो, बच्ची रहता तो हाँ, फिर हाँ क्या सुन रहेगी क्या? बाहर के काम बोलो मेरे को। कैसे भाव, कैसे आपके? हमारे भाव लाखों में एक है, तुम्हारे भाव के ऐसा नहीं है। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है मालूम। हाँ, दिख रहा। बोलो ना जी, तुम्हारे को क्या? अरे हवा बहुत अच्छी, क्या बच्ची बोलूं मैं, हीरा हीरा है, सुबह से लगे शाम तक घस लेते रहती, उठे जब से सोए तला। हाँ, बहुत दिख रहा दिख रहा। लाओ बेटा चाय, क्या हुआ बहुत देर हो गई। ठहरो बैठो बैठो माँ, बैठो बैठो। ये देखो चाय है, ये चाय में दूध का है कि दूध ही नहीं है इसमें? नहीं मालूम है कैसा चाय बनाना, इससे अच्छा तो डिकॉशन इस लाके मुंह पे मार देना था मेरे। आओ रखो, तुम्हारी चाय नहीं हो ना, पूरी सास के ऊपर गई है। हमारे घर के जरा मेहमान बन के देखो तुम लोग, हमारे भावा कैसा झेल लेते, आगे पीछे आगे पीछे क्या खाते क्या पीते ये वो पूरा पूछ लेते, पूरा तुम्हारे पर गई है सिखा के छोड़े। सेम सास की चाल चल रही है तुम। तुम्हारे को मालूम हमारे दौर में 12 साल पहले शादी हो जाती थी, 12 साल की थी मैं शादी करके आए जब, इल्लल्ला नहीं बोलती थी मैं हमारे सासू, इल्लल्ला 3 बजे रात को उठा देते थे मेरे को, उठो बोल के। उठ के मैं ऐसा रोटियां हाथ पे ऐसा डाल के तवे पे, पहले क्या था गैस थी हमारे कने नहीं थी बेटा, लकड़ियों के चूल्हे पे पानी पड़ो धूप रहो कुछ भी रहो, हमारे नंदों को तो मैं मेरे सगे बहनों को नहीं देखी थी होंगी। हम हमारी सास को पलकों पे रखे थे और हमारे नंदों को इतना सर का तिनका कांटा उठाने नहीं देते थे हम मालूम। तुम भी वैसी करो अब। अच्छा सिखा के छोड़े जी माँ तुम उसको। क्या हुआ, तुम इनके पीठ के ऊपर से उंगली थे क्या इनकी अम्मा के? हाँ फिर तुम्हारी इच्छा उपड़ी है क्या? क्या नोच रहे जी हमारे भाई को ऐसा? देखो आप तुम्हारे सामने। हाँ अभी मेरे सामने जितना है, मेरे पीठ पीछे कितना है, हमारे भाई को नोच नोच के खा गई एकदम, आधा कर दी हमारे भाई को। सेम सास की कॉपी हो गई जी तुम एकदम। हाँ अच्छा नाम रोशन करती ना तुम्हारा और इस घर का। पाशा भाई का फोन आ रहा था ना, बात कर क्या वो? अरे बैठ में आ, पाशा से मैं बात करता हूँ, तू क्या बात करता? अब मैं बात करता हूँ ना, जिंदगी खराब। अरे गुस्से वाले हैं जी नो, गुस्से वाले हो तुम्हारे अम्मा से ज्यादा है गुस्सा उसका। उतना तो नहीं है मगर स्पीकर पे गाली कटर क्या बोलता सुनो। हेलो किधर है जानू? अरे पाशा है, पाशा की बेटी है रे ये। हेलो। हाँ हेलो। क्या हुआ मेरे शेर? अरे तुम्हारा शेर नहीं बोल रहा, बब्बर शेर बोल रहा उसका बाप। मजाक करने की आदत नहीं जाती तुम्हारे। मैं कब मजाक करा तुम्हारे? अच्छा इन्हें करता शायद मजाक। अच्छा हुआ अपन चले गए, नहीं तो पुलिस पकड़ लेती थी। कल चले गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो पकड़ जाते थे।